So we are going to solve the given problem, which is x square upon x and which is equal to zero. और हमें given equation का solution निकालना है. तो पहले मैं वो method share करता हूँ, तो generally काफी student पहले follow करेंगे इस equation को solve करने के लिए. What they will do, वो सबसे पहले इस equation को note करेंगे, which is x square upon x and this is equal to zero. और हर एक student के mind में ये आएगा कि शायद उसे अगले step में इसको cancel करना चाहिए, और वो ये cancellation करेगा. और अगले स्टेप में ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट बनेगा x, और राइट साइड में आपके पास जीरो के इक्वल है. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को या इस रिजल्ट को देख के हमें ये लग रहा है कि शायद गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x बराबर जीरो होना चाहिए. लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू जीरो इस ओरिजिनल इक्वेशन में सबमिट करें, आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई एक्स. और अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में एक्स को जीरो सबमिट करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में आपको मिलेगा जीरो का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है जीरो. अब जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है और डिनोमिनेटर में वो आपका जीरो है, लेकिन जीरो बाई जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो बाई जीरो जीरो के इक्वल नहीं होता है. जीरो बाई जीरो इज एक्चुअली इनडिटरमाइंड फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते. और हमें ये लग रहा था कि शायद x is equal to 0 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कि x is equal to 0 is not the solution for the given equation. ये देखिए, ये प्रॉब्लम आप कब फेस करेंगे, जब आपने क्रॉस चेक किया है कि क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो आपने देखा कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है. जो x की वैल्यू आपने यहां से पता की है वो ओरिजिनल को फॉलो कर ही नहीं रही है. तो हमें ये चेक करना होगा कि हम कहां पे, किस स्टेप में ये गलती करके आए हैं जिसके कारण हमें गलत आंसर मिला है, या फिर हम x इक्वल टू जीरो अभी आंसर क्लेम करने जा रहे थे. अब जैसा कि मैंने आपको यहां पे वेरीफाई कर दिया है कि जीरो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्व करने का सही मेथड क्या है. अगर आप गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्स के इक्वल होता है, लेकिन साथ में कंडीशन भी है. कंडीशन ये है कि दिस इज ओनली ट्रू व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब अगर एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, तभी आप इस एक्सप्रेशन को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं. और आपने क्या किया था, आपने एक्स स्क्वायर बाई एक्स को डायरेक्टली कैंसिलेशन करके एक्स से रिप्लेस कर दिया, और इस कंडीशन को ध्यान ही नहीं रखा कि ये केवल तब ट्रू है जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो. और इनकेस अगर आप इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे, और जो भी इसका सही आंसर है वही आपको मिलेगा. चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं. अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई एक्स एंड विच इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप आई विल राइट डाउन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ओनली वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई एक्स, और एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ गया है. अब क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपने ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स को एक्स से रिप्लेस करा ही तब था जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन अभी यहां पे हमें पता लग रहा है कि जीरो ही केवल अकेला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जीरो एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो फाइनल आंसर इज वी हैवंट एनी सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, मीन्स x square by x is equal to zero का आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. इनफैक्ट x is equal to zero is not the solution.